गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं लगभग छः बजे उठी हूँ और दूध बाहर लेके आई हूँ। तो देखो मम्मी, मैं चौक पे बैठ के दूध पीती हूँ तो बस चौक पे बैठने भी नहीं देगी। अब काम है, काम बस सारे दिन। पापा बैठे थे, पापा को भी भगा दिया। सब काम करो, पर मैं मम्मी की बेटी हूँ, नहीं बैठने दिया तो बाहर चारपाई पे या चेयर पे बैठ जाऊंगी। ये मेरा ठंडा दूध। वैसे एक बार ये गरम किया हुआ है, उसके बाद में फ्रिज में रखा था, फिर ये ठंडा हुआ, उसके बाद पी रही हूँ मैं। मैं बाहर वीडियो एडिट कर रही थी और किन्नू आई है, अपने सारे काम गिना दिए, कोलगेट कर ली, मुंह धो लियो, चाय पी ली, दूध पी ली। दूध कौन पियो? नहीं दूध पी लियो। पी लियो? हाँ। वाह भाई, कौन गा लियो? मामी जी। अरे मर रहे, मामी जी दूध गाल दिया और नान दी पी लियो। और किन जैसी आज? खेत। खेत किन गए? आपने खेत। आपने खेत किन सागे? नाना जी सागे। मन कॉलेज है? कच्चा है तो उसमें मैं जा नहीं पाऊंगी बाइक पे साथ में, तो किन्नू और नानो जी जाए। खेतों से मिंदर जा रहे हैं, बट ही ले लेता। कविता ने, कविता अरे वीडियो खासी अपन है माता जी को प्रसाद। और स्वाद एक मेहरबान थी गोर मान ले बोले प्रसाद मुझे ले आओ मन दे पहल पतो थोड़ा सा बड्डो ले लियो। आ रहे दामा थोड़ा सा बड्डो ले लियो। तो अभी बन रही है लापसी चा और साथ में दाल उबल रही है। वेरी गुड, इतना ही तो काम। मैं ले आऊं आटो, मांग ले आना एक कटे। और के लिए तू सदा ले आऊं बटू ले आएगी। अब तू नाम बता दे रे जो भी है तेरे कमेंट में। दिमाग को नहीं मार, भूल जावा मैं। अब भी सूट पर ओढ़ने वाली बात सुती सुनी है नी? सूट वाले मिल सके तेरे को? ना सुनी चाहिए। ऑटो मैं लगा रही हूँ क्योंकि कविता का हाथ में दर्द है, ये वास्ते इतनी हेल्प ना करती। क्या क्या कोई कष्ट दुख तो नहीं देते ना?
ले सके जी जी मैं ब्याह फिर नहीं मैं थान ब्याह देखी हूं जिम तक कर जिम मैं ब्याह 5 दिन खूब खाया इयो के तो पके खाए थार बा तर जक नहीं मैं छुट्टी को नहीं हूं भी दिन आया भी दिन हां जक नहीं अभी मैं और मम्मी डूंगरगढ़ नानी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि नानी है हॉस्पिटल में भर्ती तो मुझे अभी दोपहर को ही पता चले किनू मैं आधा घंटा यहाँ जाऊँ ठीक है अस्पताल जाऊँ बूढ़ी नानी को मिलन ठीक है नी हाँ बाय बाय ढकले आओ चिप्स लिया हॉस्पिटल में खड़े हो गए नानी को फोन करें काम पे है बाकी पता नहीं है हॉस्पिटल वैसे अभी सुना सुना लग रहा है क्योंकि दोपहर के बाद का टाइम है तो सब डॉक्टर तो गए तो दिखाने के लिए आने वाले मरीज भी गए जितने भर्ती हैं यहाँ पे वही है डर के बापड़ी ले तो चिप्स मंगाई नहीं और के मंगायो तो है कि अल्लो बुढ़ सारा हो गया अब तो है ये तो हम खा ले सीख तो जूस बना मैं दूसरा ले हूँ नानू जी दूसरा ले आए देख इसा मैं दूसरा ले हूँ इसे दे लंबा लंबा ले एक ताता है ठंडा मेला मम्मी तो गई हुई है नानी के पास भर्ती है और मेरे हो रही है बुखार पीछे से पापा भी घर पे नहीं है तो मैं खुद ही जाके इतनी सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर मुझे दही मना कर दिया बिना दही के मैं रोटी कैसे खाऊंगी रोटी खा के दवाई लेनी है कल नानी रो रही थी तो नानी पे दे आ रही थी आज खुद बुखार चढ़ते ही खुद को रोना आ रहा है और बहुत बुरी तरह से बॉडी दुख रही है अभी और मेरी बेटी ये देखो रुमाल लेके आई है लगा दे किनो ये रात ही मेरे पैर और दर्द कर रहे थे तो ऐसे दबा रही थी सब गर्मी से मेरे पैरों में जलन होती है तो ठंडे कर रही थी उनको अभी बुखार आ गई तो ये ऐसे पटियां कर रही है एक बार ही बोला इसको कि नो बुखार हो गई तो झट से उठ के पट्टी करने लग गई बबड़ी भी डॉक्टर से मैं दवाई लेके आई थी गांव में मतलब मेडिकल है वहां से तो खाने के बाद जो दवाइयां लेनी है वो ले रही हूँ बुखार की ओर है तो मैंने कड़ी खिचड़ी बनवाई है क्योंकि दही उसने मना कर दिया तो मैं कड़ी खिचड़ी खाऊंगी क्योंकि और मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी कुछ खाने का तो कविता ने बना दिए
इसको बोला तो बना दी बेचारी ने, आधे घंटे के अंदर कड्डी ने खींचड़ी ने सब रेडी कर दिया। अभी वो लेके आ रही है तो मैं भी उठ जाती हूँ, खाना खाने के लिए रेडी हो जाती हूँ मैं। क्यों थोड़ो तो गालो थोड़ नहीं बन, मैंने सिर्फ खाटे को गयो थोड़ सो गाल दो, दही इनकी सारो बंद करे। सिर दुख रहा है बहुत भयंकर और पूरी बॉडी पेन कर रही है। खिचड़ी भी बिल्कुल पतली पतली और एकदम मतलब चावल मूंग की है। तो मुझे अभी वो दिन याद आ रहे, मेरे आठवीं क्लास में हुई थी मैं बीमार और एक डेढ़ महीने बीमार रही थी मैं, मतलब बुखार बुखार, फिर वो कुछ नमूनिया बन गए ये वो हो गया था और डूंगरगढ़ में भर्ती भी रही थी मैं। तभी ऐसे पापा खिलाते थे मुझे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खिचड़ी, थोड़ी थोड़ी कड्डी,